have with us Prajwal Agarwal. Prajwal has cleared the UP judiciary in 2023 with the 26th rank, and many congratulations, Prajwal. God bless you. अब बैठो. अब प्रज्वल, आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है. वेयर यू आर फ्रॉम, वॉट इज़ योर बैकग्राउंड, देन हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, एंड वॉट वॉज द मेथोडोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशंस, एवरीथिंग. और बीच में कोई सवाल होगा तो मैं पूछ लूँगा. ठीक है, लो. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम प्रज्वल अग्रवाल है. मैं उत्तराखंड से हूँ. एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत. ये मतलब नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है. मैं वहाँ से हूँ. मेरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर और फिर विवेकानंद विद्या मंदिर से हुई है. ये प्योरली मतलब हिंदी मीडियम के स्कूल्स हैं. उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन मेरी बीए में हुई है, मेरे होम टाउन से ही. वो भी सर होम टाउन से ही सर, मेरी टनकपुर से ही. उधर से मेरी ग्रेजुएशन भी हुई है सर. उसके बाद मेरी LLB कैंपस लॉ सेंटर से हुई है और 2021 में मेरी LLB कंप्लीट हुई है. सर, मैंने 2020 में इवनिंग वाला ऑनलाइन बैच लिया था यहाँ से, और मेरी जनवरी 2023 में यहाँ से कंप्लीट हुई है कोचिंग. सर सर हाँ, थर्ड ईयर में था जब मैं CLC में, तो मैंने थर्ड ईयर में ले ली थी. अच्छा. और प्योर ऑनलाइन में ही चली. आपसे पहली बार मुझे मिलने का मौका मिल रहा है सर यहाँ पर. और पहली बारी मैं यहाँ पर आया हूँ. वैसे कृष्णा सर से मिलते रहता था मैं, स्पेशली मिलने आता था उनसे कि कैसे क्या करा जाए. वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे, अच्छा पूरा टाइम देते थे, आधा आधा एक एक घंटा बैठाते थे, क्या सोर्स रखें, कैसे पढ़े हैं, टाइम टेबल बनाते थे, शेड्यूल बनाते थे पूरा. तो कृष्णा सर का तो मतलब बहुत बड़ा रोल है सर इसमें, कृष्णा सर, आनंद सर का. बाकी आपकी टीचिंग्स तो हैं सर. ठीक है, तुमने कैसे LLB के बाद कैसे तैयारी शुरू की? सर 2020 में जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम पे मैं घर से ले गया था वापस टनकपुरी. तो घर से ही सारी मेरी प्रिपरेशन हुई है, और जैसा आप पढ़ाते गए सर, वैसा वैसा फॉलो करते गए. तो क्लास रेगुलर करते थे? क्लास सर रेगुलर थी मेरी, क्लास का भी मिस नहीं करी, उसको रिवाइज करता था रोज के रोज. और बाकी आपके केस लॉज, काफ़ी मैं सबसे कहना चाहूँगा, केस लॉज जो सर भेजते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा आप. और तुमने क्लासेस किया, दो क्लासेस किए सर? हाँ, स्टार्टिंग में मेरी दो क्लासेस रहती थी, क्योंकि उस समय कॉलेज था तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था. फिर क्लास जब कॉलेज खत्म होने के बाद फिर मैं चार चार क्लास लेने लग गया था सर, लगाने लगा. और फिर नवंबर में UP का नोटिफिकेशन आ गया था, उस समय भी क्लास चल रही थी. और जनवरी में मेरी आप CRPC लास्ट सब्जेक्ट था शायद आपके साथ, तो उस समय फिर ख़त्म हो गई थी. मतलब जब तुमने प्रीलिम्स दिया तो कोर्स ख़त्म हो गया सर? हाँ, बस उसकी एंडिंग चल रहा था बस CRPC का. उससे पहले मैंने राजस्थान दिया सर, लेकिन वो वैसे ही देने चले गया था मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि 21 में मेरी LLB कंप्लीट हुई है, तो दोस्त लोग सब ने भरा था फॉर्म उसका, तो मैं भी वैसे ही चले गया देने के लिए कि घुमाएंगे थोड़ा सा. तो सीरियस सिलेबस भी नहीं देखा था उसका, क्या है राजस्थान वाले का. तो सीरियस वाला अटेम्प्ट तुम्हारा यूपी? हाँ सर, सीरियस अटेम्प्ट मेरा यूपी था. इससे पहले मैंने राजस्थान दिया, एक उत्तराखंड दिया था. उत्तराखंड में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था. अच्छा. बाकी दिल्ली, हरियाणा और MP ये मैंने दिए नहीं सर. अच्छा. ये गलती है मेरी बहुत बड़ी, मुझे देने चाहिए थे, लेकिन ये देना कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ करके मैंने इसको नहीं दिया. लेकिन मैं सबसे कहूँगा, जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको ज़रूर दीजिए, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हो, एक सब्जेक्ट भी हो, उसको देना चाहिए. नहीं तो बाद में फिर एक बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बहुत ज़्यादा एक टाइम के बाद. तो तुमको तो दो ही साल लगे? Yes, दो, sir, दो yes, साल लेकिन में तो, दो साल में तुम जज बन गए? यस सर, ये मतलब मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, इसमें पहला मेंस और पहला इंटरव्यू, और भगवान के आशीर्वाद से सर रैंक. तुम कितने घंटे पढ़ते थे तुम? सर वैसे तो स्टार्टिंग में तो पाँच छः घंटे था, लेकिन मेंस के टाइम पे थोड़ा सा ये 5-6 घंटे क्लास को जोड़ के बोल रहे? नहीं, अलग से, अलग क्लास के अलावा, अलग से सर. फिर मेंस के टाइम पे सर 12-14 घंटे तक भी जाता था मेंस के टाइम पे, तो बहुत अच्छी. नहीं, जब तुमने ज्वाइन किया था? यस सर. तो 2020 में जब तुमने ज्वाइन किया तो उस समय तो कॉलेज चल रहा होगा? यस सर. तो उस समय तो कम टाइम दे पाते? यस सर, स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम था सर. स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम टाइम था, बस वो ये था कि आपके नोट्स वगैरह रिवाइज करता था, और केस लॉज में स्पेशली प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ता था. बाकी आपकी एक एविडेंस की बुकलेट थी, आपने दी थी एविडेंस के लिए, देते हैं आप वो लैंडमार्क केस लॉज की, वो मैंने पूरी पढ़ी है, वो बहुत अच्छी है सर.
वो उससे मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहती है वो। बाकी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी ग्रेजुएशन तक पूरी हिंदी मीडियम में रही है मेरी, ये बहुत इवन ग्रेजुएशन भी मेरी हिंदी में है। उसके बाद सडनली CLC में आके एक तरफ से पूरा शिफ्ट हो गया मेरा, प्योर इंग्लिश में हो गया। तो स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई मेरे को इंग्लिश से कोप अप करने के लिए, बहुत दिक्कत हुई। लेकिन धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर दिक्कत हुई, उसके बाद फिर नॉर्मली अच्छा हो गया। तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग से ही सारे इंग्लिश में दिए और मेरी परसेंटेज भी अच्छी थी, 62% मिली थी। नहीं, UP एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो तुमने इंग्लिश के लिए कुछ पढ़ा कि? नहीं सर, मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, उससे हो गया था मेरा। अच्छा। न्यूज़पेपर लेकिन मैं डेली पढ़ता था। न्यूज़पेपर का सर बहुत, मैं आपसे भी करना चाहूँगा, बहुत फ़ायदा है। PT में, मेंस में, इंटरव्यू में, तीनों में आपको न्यूज़पेपर का बहुत फ़ायदा मिलेगा। PT में आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा, मेंस में आपके लिए SA के लिए बहुत अच्छा आपको एक बेस मिल जाएगा, इंटरव्यू में तो करंट का ही पूछ रहे हैं सर आजकल पूरा ही। उसमें क्या है, बहुत ही एक मतलब लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा है वो। जैसे एक मुझे अभी आर्टिकल याद आ रहा है कि एक प्रेजिडेंट के ऊपर आर्टिकल था कि प्रेजिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प नहीं है, वो उससे भी एक मतलब उसके बियॉन्ड जा सकता है वो, कि आर्टिकल 60 में वो टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेता है वो। लेकिन जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ट्रू फेथ और एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए बियॉन्ड भी जा सकता है अगर ओथ के हिसाब से चलें तो। तो ये इस तरह के लीगल आर्टिकल बहुत अच्छे हैं जो आपको जनरली बुक्स या फिर कहीं और नहीं मिलेंगे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे सर। न्यूज़पेपर रीडिंग सर। तो मतलब तुम न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हो? यस सर, न्यूज़पेपर। मेरी उससे इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई सर। इंग्लिश अब हिंदी मीडियम से जाके इंग्लिश में शिफ्ट करना? यस सर। तो तुम्हारे गांव में कैसा माहौल है? तुम्हारा गांव तो बिल्कुल एक्सट्रीम में होगा। यस सर, बिल्कुल उसके मतलब 5 किलोमीटर बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन के बाद गए गांव? यस सर, मैं उधर ही था, अभी कल ही आया हूं मैं वहां से। तो कैसा माहौल है सर? खुश हैं काफ़ी सारे, खुश हैं। पार्टियाँ वार्टियाँ चल रही है? पार्टी हाँ, थोड़ी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कमिंग फ्रॉम दैट रिमोट एरिया एंड देन डूइंग इट एंड दैट टू योर रैंक इज़ गुड। यस सर। तो ये कर पाना इतना आसान तो नहीं है। बस सर आप सब सर की टीचिंग से ही हो पाया, मैं तो खुद से शायद मैं नहीं कर पाता। अगर मैं कोचिंग नहीं लेता तो शायद मैं खुद से नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मतलब मुझे लगता है कि एक उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए वो यहाँ पर ही आके बच्चों का हो पाता है। यहाँ के ही असली लॉ क्या है वो जाना, यहाँ पर क्या है। यस सर। चलो, और तुम्हारा मेंस में आंसर राइटिंग पैटर्न क्या था? सर बेसिकली मेरा ऐसा कुछ रिजिड नहीं था आंसर राइटिंग पैटर्न, लेकिन मैंने उसको फॉलो करने का ट्राई करा है। आपका जो एक पैटर्न है कि सबसे पहले पर्पस पॉलिसी उसका क्या है, उसके बाद सेक्शन उसको एक्सप्लेन करना, केस लॉ, सबसे बड़ी चीज़ है केस लॉ याद ही नहीं आते हैं सर उस समय लिखते वक्त। कुछ कुछ याद आते हैं वो तो लिख देते हैं, सारे के सारे पॉसिबल नहीं हो पाता, मेरे लिए नहीं हो पाया, औरों के लिए हो पाता होगा। तो केस लॉ लिखा वैसे मैंने, लेकिन सब मैं नहीं लिखा क्योंकि याद नहीं आ पाता उसमें। मैंने याद करने की कोशिश करी थी लेकिन उस समय याद नहीं आ पाते, प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। और मेन चीज़ यह है कि पेपर कंप्लीशन सबसे बड़ा टास्क होता है, इतना लेंदी पेपर होता है UP जैसे स्टेट में, अगर आपने पेपर कंप्लीट कर दिया तो आप मान के चलिए कि आप इंटरव्यू तक तो ज़रूर जाएंगे। तो मेन चीज़ है आपको पेपर कंप्लीट करना है कैसे भी करके सर। और प्रीलिम्स के लिए तुमने अलग से जैसे एग्ज़ाम के पहले कितना टाइम दिया था सर? एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के लिए सर वो नोटिफिकेशन के बाद से मैंने प्रीलिम्स स्पेशली पढ़ा था, एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था सर। उसके पहले तुमने मेंस का सब? यस सर, उससे पहले बस मैं कॉपीज़ वगैरह पढ़ता था आपकी नोट्स वगैरह, और थोड़ा सा मैंने उस समय शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम पे इतना प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए पहले से ही आप शॉर्ट नोट्स बना के चलिए, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे जाके। क्योंकि एक पेपर में भी 10-10 सब्जेक्ट होते हैं, वो लास्ट में आप पढ़ नहीं सकते हैं सबके सब सब्जेक्ट एक साथ, तो शॉर्ट नोट्स पहले से बना के रखिए, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको एक हफ्ता पढ़ने के लिए 15 दिन पहले, उससे काफ़ी हेल्प। शॉर्ट नोट्स का तुम्हारा मतलब है जो नोट्स हैं मोटे वाले? सर, आपके नोट्स को ही उसका ही समराइज करके उसी को समराइज में। ही सेइंग दैट जैसे ये नोट्स है ना, ये नोट्स है तो इसी को समराइज करके कम पेजेस में बना लो। यस सर। तो वो रिविजन में आसानी हो जाती है, बट दैट यू कैन नॉट डू राइट नाउ। इनिशियली नहीं कर सकते हैं इसको, कम से कम 5-6 बार पढ़ने के बाद ही हो पाएगा सर। हाँ, ये उससे पहले तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्या है चल रहा है करके सर।
और तुमने एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स का जो एक डेढ़ महीना टाइम दिया होगा, उसके तो उसमें क्या पढ़ा तुमने? सर उसके लिए सिर्फ बेरेक्ट इंडेक्स, यूपी में सेक्शन बेस्ड ही ज़्यादा आते हैं सर कि सेक्शन नंबर क्या है, और पीवाईक्यूज देखे थे मैंने सारे सर जितने भी इसके थे प्रीवियस ईयर। पीवाईक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस? वो तो आपको देख के जाने पड़ेंगे आप जिस भी स्टेट की कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने सिंगल्स की एमसीक्यू लगाए थे, लेकिन सिंगल्स में भी क्या है कुछ कुछ जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं मिलते हैं आपको। पीटी के लिए जीके वगैरह कैसे किया? सर पीटी के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ी थी, ज्योग्राफी हिस्ट्री और साइंस का, उसमें साइंस में मैंने केमिस्ट्री और बायो पढ़ी थी, घटना चक्र पढ़ी थी कई बार सर। अच्छा। हाँ सर, और ये काफ़ी हेल्पफुल रही थी मुझे मेंस में भी, इसने काफ़ी अच्छा। तो इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए? सर इसके लिए नहीं करे, लेकिन करने चाहिए लोगों को, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी स्टेट हो चाहे आपका। प्रीवियस ईयर से एक मेंटल फ्रेम भी बन जाता है ना? सर यस सर। और मेंस के लिए तुमने लास्ट में कितना टाइम मिला था मेंस के लिए? मेंस 2 महीने? हाँ, रिजल्ट के बाद 2 महीने मिले थे सर। रिजल्ट के बाद 2 महीने? हाँ, ना तो उसको कैसे मैनेज किया? सर वही मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, बाकी मेंस का सिलेबस बहुत वाइड है, उसके बाद जीके है, करंट अफेयर्स है, एसए है, ट्रांसलेशन है, लोकल लॉज है, तो उसको सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ा सर। तो लोकल लॉज कैसे किया तुमने? सर लोकल लॉज नीरज सर की क्लास हो गई, उसने बहुत अच्छा बेस बना दिया था सर, बेयर एक्ट हो गई एक, उससे लोकल लॉस काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा, और पेपर भी अच्छा गया था लोकल लॉस का। ठीक है। यस सर। और बाकी मैंने सर ट्रांसलेशन मतलब लैंग्वेज के पेपर मेरे बहुत अच्छे गए थे दोनों, हिंदी और इंग्लिश के, इसकी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी सर, प्रेसी राइटिंग खासकर इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। तो कहाँ से प्रैक्टिस? सर मैंने खुद से करी थी, बाकी कोचिंग का मटेरियल कृष्णा सर भिजवाते थे, उससे मैंने ट्राई करा काफ़ी, मतलब पहले ही मेरी प्रेसी राइटिंग बहुत बहुत वीक थी सर, बहुत बेकार थी, बाकी प्रैक्टिस करा मैंने काफ़ी, बहुत इंप्रूवमेंट आया, बहुत लास्ट में मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रेसी लिखी सर, और मेरे कई सारे फ्रेंड हैं उनका सिर्फ सिलेक्शन लैंग्वेज का पेपर ख़राब होने की वजह से नहीं हो पाया इस बार। लैंग्वेज जीके लोकल एक्ट ये वाला? हाँ। जीके लोकल हो सर, ये जो एरिया है ना ये लगभग 550 मार्क्स का है, तो इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो यूपी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, लगभग 550 का है ना, तो इतने मार्क्स है। प्योर लॉ में तो आपको लगभग 450, अगर लोकल एक्ट हटा दो तो 450 मार्क्स के होंगे, और रिमेनिंग पूरा आपका जीके लैंग्वेज हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर ये सब मिला के ना, तो इट इज़ लैंड लॉज 150 मार्क्स का। ठीक है, ये तो मेंस का हो गया। और इंटरव्यू में तुमसे कैसे सवाल? सर इंटरव्यू में मतलब मैं बहुत लकी हूँ, ज़्यादा मेरे से टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत बेसिक लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए सारे। क्या क्या थे सवाल, कुछ याद है? सर जैसे प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस क्या है, एंग्लो इंडियन का एक क्वेश्चन था एक, और एक क्वेश्चन था कि प्रोफेसर थे उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने एविडेंस बोला, तो उन्होंने कहा कि सारे एविडेंस ही बोलने हैं, कुछ और नहीं पढ़ाया क्या? मैंने कहा सर CRPC, तो CRPC में उन्होंने 164A पूछा था, उसका मैंने बता दिया था सर। बाकी फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, और ओथ वो रेजिग्नेशन का पूछा था मुझसे कि प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है, स्पीकर सबका पूछ लिया था, तो जितने भी होते हैं। 10 से 15 मिनट चला था सर, ज़्यादा भी वो नहीं था, लंबा भी नहीं था मेरा। सर बाकी बुक्स पूछी मेरी कि आपने कौन कौन सी लॉ में 5 बुक्स के नाम बताइए जो आपने पढ़े थे करके, तो वो मैंने बता दिए थे। वैसे पढ़े तो मैंने केस मटीरियल चलता है अपने उसमें में, केस मटेरियल तो वैसे मुझे पता था कि 5 बुक्स क्या क्या हैं। और इनको मोटिवेट करने के लिए कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे जैसा कर सकता है सर कोई भी कर सकता है, मैं उतना स्टूडियस भी नहीं रहा हूँ, बहुत ही मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आते थे 10th या 12th, BA में भी उतने अच्छे नहीं, LLB में मतलब ठीक थे, बहुत अच्छे भी नहीं कहूँगा मैं, तो बस राहुल सर जैसा कह रहे हैं फॉलो करें उनके, आप पेपर दीजिए जरूर, आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर रहते हैं। मैंने सर PT का मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कोचिंग के बहुत मॉक टेस्ट दिए थे यहाँ के, लेकिन वो ऐप के थ्रू दिए थे, आपके जो ऐप में सर, तो उसमें भी मतलब अच्छा स्कोर आता था मेरा, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बिना मेंस लिखने जाएंगे तो पहली बात तो आपका पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम एक क्वेश्चन पे डिवोट करना चाहिए,
कैसे लिखना है, कितने पेज का लिखना है, मेरा क्वालिटी क्या जा रही है आंसर्स की, तो उसके लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी कंपलसरी एक तरह से। और कोचिंग के मॉक टेस्ट चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं और चेकिंग बहुत अच्छी होती है सर। उसमें रिव्यू देते हैं कि आपने क्या क्या गलती करी इसमें, आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सर इसमें, तो चेकिंग बहुत अच्छी रहती है। तो मॉक टेस्ट पीटी मेंस दोनों के आपको टाइम टू टाइम देने चाहिए। चेकिंग के लिए अलग टीम है, चेकिंग कई बार टीचर्स भी कर देते हैं। सर इसमें दिया था इस बार काफ़ी, मतलब उन्होंने सजेशन दिए थे मुझे कि आपकी यहाँ पर ये गलती हो रही है, ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, इसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, मैंने दिए थे सर। नीचे ऑफिस में एक अंजनी सर बैठते हैं, अंजनी से आप लोग मिलते नहीं होंगे शायद, तो चेकिंग का काफ़ी काम वो करते हैं। अच्छा, वो हैं, फिर गोमा मैम भी करती हैं, कभी निधि मैम ने कर दिया, तो इस तरह से। और एक टीम भी है हमारा, रिसर्चर्स का टीम है, वो भी करता है सर। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ बोलना चाहते हो? बस सर आपको और पूरी टीम को बस मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सर, कि आपके बिना तो होता ही नहीं, सबसे मतलब मेन चीज़ है, मैं खुद के दम पे नहीं कर सकता था ये चीज़। नहीं, चलो कोचिंग में आए और तुमको कोचिंग का बेनिफिट मिला, फिर तुमने खुद इतनी मेहनत की। यस सर, ओवरऑल इट इज़ ऑल योर हार्ड वर्क दैट इज़ गॉट यू दिस सक्सेस। हम लोग तो बस फेलिसिटेट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं कह लो, बट रियल हार्ड वर्क तो स्टूडेंट खुद करता है, और हम लोग भी उसी को कुछ हेल्प कर पाते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव माइंड का हो। तो तुम्हारा माइंड चूँकि बहुत पॉजिटिव है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि आप खुद अच्छे इंसान हैं तभी तो सामने वाले का वैल्यू समझ में आएगा ना आपको। तो हमसे भी फ़ायदा उसी को मिल पाता है जो पॉजिटिव माइंड का हो, जिसका माइंड हमेशा अच्छा सोचता है। नहीं, बिल्कुल सर। चलो आ जाए, ये ले जा पाओगे तुम अपने वहाँ गांव तक? खुश। गॉड ब्लेस यू। गॉड, अरे हो गया, गॉड ब्लेस यू।